एजी साहब, आप मुझे बताएंगे क्या आईएसआई के अफसरान को बुलाया जाएगा इस तमाम मामले में? सब जानते हैं कि ये बड़ा हसास केस है। ये बात आपने समझा नहीं तो फिर मैं क्या करूं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर सैदी, आपको रिपोर्ट कर रहा हूं पार्लियामेंट हाउस से। एक के बाद एक सियासतदान की वीडियो लीक हो रही है। आज परवेज रशीद साहब की एक निजी वीडियो, प्राइवेट वीडियो, जिसमें वो एक खातून के साथ जो है गुफ्तगू कर रहे थे, वो सामने आई। और इसके बाद ये सिलसिला जो है पार्लियामेंट हाउस की तहकीकाती कमेटी तक भी पहुंची। आज पार्लियामेंट हाउस की तहकीकाती कमेटी में क्या हुआ, इस हवाले से एजेंसीज को तलब कर लिया गया है। मैंने जब गफूर हैदरी साहब से सवाल किया, जो कि इस कमेटी के अब चेयरमैन है, कि क्या आईएसआई को बुलाया जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी, उन्होंने क्या जवाब दिया वो आपको बताएंगे। लेकिन ये पूरे आज कमेटी की समात में क्या हुआ, जो कि इसकी तहकीकात करनी है, स्पेशल कमेटी बनाई गई है। और सवाती साहब जो इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, एचआर सेल ने उनकी दरख्वास्त सुनी है। मुबैना तौर पर ये वीडियो लीक्स का मामला कहाँ जाके रुकेगा, ये हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल का आइकन जरूर दबाएं और फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक खसूसी कमेटी जो है वो चेयरमैन की हदायत पे बना दी गई है। चेयरमैन सादिक संजरानी ने हदायत की थी कि 30 दिन के अंदर खसूसी कमेटी ने तहकीकात करके जो है उसका रिजल्ट बताना है कि सवाती साहब की जो प्राइवेट वीडियो लीक हुई है उसमें कौन शामिल है, किसने की है और क्या वो असली वीडियो है या जाली। इस हवाले से आज मौलाना गफूर हैदरी, जिनका ताल्लुक JUIF से है, उनको इस पार्टी का, इस कमेटी का जो है वो कन्वीनियर बना दिया गया, यानी चेयरमैन कमेटी मौलाना गफूर हैदरी साहब हैं। लेकिन बड़ी शर्मनाक बात है कि 14 जो सेनेटर्स थे उनमें से 5 सेनेटर सिर्फ आ जाए इतने इंपॉर्टेंट मामले की तहकीक करने के, कल को इन लोगों की वीडियोस भी सामने आ सकती हैं। लेकिन किसी ने ये जरूरी नहीं जाना, यूसुफ रजा गिलानी साहब नहीं आए, जो तमाम सेनेटर्स हैं जो कि एक फेम भी रखते हैं वो लोग नहीं आए। अलबत्ता जो लोग मौजूद थे उन्होंने जो बातचीत की है, एक तो पीटीआई ने इस कमेटी का बायकॉट किया, आपको ये पता होना चाहिए, और पीटीआई के साथ साथ आजम सवाती साहब भी नहीं चाहते कि ये कमेटी में मामला हो। अलबत्ता कमेटी ने ये कोशिश किया कि आजम सवाती साहब को यकीन दिलाया जाएगा कि जब तक इस मामले की मुकम्मल तहकीकात नहीं होती, जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होते, ये मामला किसी भी हतमी राय नहीं इख्तियार करेगा, लिहाजा आप आएँ और हमारा साथ दें। इसके बावजूद अगर वो नहीं आते तब भी ये कमेटी अपनी प्रोसीडिंग्स जारी रखेगी। मैं आपको ये बता दूं कि इस कमेटी के अंदर क्या हुआ है और फिर इस कमेटी के इख्तिताम पे क्या बड़ा फैसला लिया गया है। इस कमेटी के अंदर बेसिकली सबने मुजम्मत की है कि किस तरह से ये वीडियो निजी मामला है, एक बंदे की जोजा के साथ वीडियो लीक हो गई, इससे शर्मनाक हरकत नहीं हो सकती। परवेज रशीद साहब की जो आज नई वीडियो मंजर आम पे आई है, इस हवाले से भी कमेटी में गुफ्तगू हुई और कहा कि एक एक करके तमाम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। अब इस हवाले से जो सेनेटर मुश्ताक हैं, जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से, उन्होंने कहा कि चाहे वो FIA हो, चाहे वो ISI का कोई अफसर हो, तमाम लोगों को यहाँ पे बुलाकर पूछताछ होनी चाहिए कि आखिर वीडियो लीक कौन कर रहा है और किस तरह से ये मामला आगे बढ़ रहा है। इसके हवाले से जो अनवारुल हक काकड़ साहब हैं, जो कि आज़ाद उम्मीदवार सेलेक्ट हुए थे, उन्होंने ये कहा कि ये बहुत ही शर्मनाक मामला है और इसमें DGIFIA को हमें अगली ही समात पर बुलाना चाहिए। मौलाना गफूर हैदरी जो थे, जो इसको चेयर कर रहे थे, वो इस बात पर रजामंद नहीं थे कि DGIFIA को अलग से बुलाया जाए। उन्होंने लेकिन बाकी कमेटी के सब अरकान ने ये बात का इरादा किया कि हम सारे इस पर मुत्तफिक हैं। फैसल साहब जुबारी साहब भी कह रहे थे कि DGIFIA आए और इसको एक्सप्लेन करें कि आखिर क्यों वीडियोस मंजरे आम पर आ रही हैं, इस तरह की अनएथिकल वीडियोस। क्या पार्लियामेंटेरियन की कोई इज्जत नहीं है? क्या इस मुल्क में पार्लियामेंटेरियन की कोई तकरीम नहीं करता? और इन वीडियोस का आना किन मकासद की तरफ इशारा करता है? लिहाजा DGIFIA को फिर गफूर हैदरी साहब मजबूर हो गए बुलाने पर, और फिर साथ 3 बंदों की जिम्मेदारी लगाई है कि PTI से कोई बंदा आए ताकि इस कमेटी में बैठे। आपको बड़ा इंटरेस्टिंगली 14 रुकनी कमेटी में सिर्फ एक PTI का बंदा था, सेनेटर मोहसिन साहब का, जिनको बुलाया गया था, लेकिन PTI ने इसका मुकम्मल बायकॉट किया और आज़म सवाती साहब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट में HR सेल में आज़म सवाती की जो दरख्वास्त डिस्कस हुई है वो मैं बताऊंगा। इससे पहले कमेटी का मैं आपको फैसला बता दूँ, कमेटी का इजलास जुम्मे तक मुलतवी हो गया और इस इजलास में फैसला ये किया गया कि DGIFIA को इन पर्सन हाजिर होना होगा कमेटी के सामने और कमेटी अपनी इंक्वायरी 30 दिन में मुकम्मल करेगी, इसको एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी, यानी 30 दिन से ज़्यादा नहीं होंगे। DGIFIA अगली समात पर अगर आते हैं और अगर वो कहते हैं कि इन कैमरा ब्रीफिंग होगी तो मीडिया को इजाज़त नहीं होगी कि वो इस कमेटी को कवर करें, बिकॉज सेंसिटिव मालूमात बताई जाएंगी।
लिहाजा वो कहते हैं कि पहले से DGIFI ये बता दें कि मीडिया अगली समात में होना चाहिए या नहीं। अब दूसरी बात कर लेते हैं, आजम सवाती साहब अभी राइट नाउ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के HR सेल में एक दरख्वास्त जो है उन्होंने दायर की, और उस दरख्वास्त के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में HR सेल जो है उसने डायरेक्ट किया कि आप बाकायदा तौर पर पिटीशन दायर करें ताकि आपका केस सुना जा सके। आजम सवाती साहब ये कहते हैं कि उनको पूरी उम्मीद है जनरल बाजवा भी और सुप्रीम कोर्ट उनको इंसाफ दिलाएगा, और साथ जो दूसरी वीडियो लीक हुई है इस पर हमाद अजहर साहब कहते हैं कि एक करके तासुर ये दिया जा रहा है कि वाजे हो सके कि सिर्फ तहरीक इंसाफ को इस तमाम मामले में निशाना नहीं बनाया जा रहा है। आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है, उसका एक अहम इलामिया जारी होगा, वो हम आपको बताएंगे। इस टाइम वफाकी दारुल हुकूमत में मुख्तलिफ जगह एहतजाज हो रहे हैं, इस टाइम राइट नाउ पार्लियामेंट के बाहर भी एहतजाज हो रहे हैं जो सरकारी मुलाजमीन कर रहे हैं। रावलपिंडी के रास्तों में रुकावटें हैं, जो कि रुकावटें आपको पता है इस वजह से की गई है कि तहरीक इंसाफ ने ये अदा कर लिया कि 3 दिन तक इस्लामाबाद के दाखिली पॉइंट जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद रखे जाएंगे। आगे क्या अपडेट होगी हम आपको ज़रूर आगाह करेंगे। फिलहाल पार्लियामेंट हाउस से ये अपडेट थी जो हमने आपको सोचा कि बताया जाए कि इसमें क्या कहते हैं। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होती है। कंबर जैदी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। मुझे जवाब दे दें कि इसमें एजेंसीज कौन कौन सी एजेंसीज को बुलाएंगे आप, क्या इसमें ISI को बुलाया जाएगा? सर क्या कहेंगे कि DGFI को आपने तलब किया है, क्या उसको तलब कर सकते हैं और किस किस को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब जानते हैं कि ये बड़ा हसास केस है, और इस हवाले से जो चेयरमैन सेनेट ने एक स्पेशल कमेटी तशकील दी है, हमने इसके तमाम पहलुओं का जायज़ा लेना है, और हम अपने आईनी इख्तियारात को भी मद्देनज़र रखेंगे कि हम इस कमेटी में किन किन इदारों को बुला सकते हैं। जिन जिन इदारों को हम बुला सकते हैं उन सबको बुलाएंगे ताकि सही मानों में तहकीक तफ्तीश हो, और उसके बाद फिर कौम को पार्लियामेंट को इससे आगाह किया जाए। ISI को बुलाया जाएगा? एक सवाल बता दीजिए, मेरी बात आपने समझा नहीं तो फिर मैं क्या करूं? कमेटी अपना काम जारी। सर एक बता दीजिएगा कि एजेंडा मतलब इशू एक ही है, सेम है, आज आपके एक साबिक कोलीग की भी एक मुबैना तौर पर वीडियो जारी की गई है, तो क्या उसकी भी इन्वेस्टिगेशन कमेटी कर सकती है या सिर्फ रशीद का नाम आ रहा है? भारत।